Hello everyone, welcome to our channel. I am Atul Tiwari and today we will discuss about chemical formula. तो हम लोगों ने आज स्टार्ट करना है केमिकल फॉर्मूला. इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में कि एटम कैसे लिखा जाता है, मॉलिक्यूल्स कैसे लिखा जाता है, कैसे उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या रूल्स होते हैं रिप्रेजेंट करने के. अब हम लोग को सीखना है कि उस एटम से किसी का फॉर्मूला आप कैसे बना सकते हो, उस मॉलिक्यूल से किसी चीज का फॉर्मूला आप कैसे बना सकते हो, केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए क्या रूल्स चाहिए, क्या कंडीशन चाहिए, इन सभी के बारे में हम लोग आज जानेंगे. साथ ही जानेंगे कि उसको लिखा कैसे जाता है और साथ में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप कैसे निकाल सकते हो किसी चीज का. साथ ही हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ सके कि ये क्वेश्चंस कैसे हुआ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का टॉपिक का नाम है केमिकल फॉर्मूला. The chemical formula of a compound describes the composition of a molecule of a compound in terms of symbol of element and the number of atom each element present in one molecule of the compound. इसका सिंपल सा मतलब है कि किसी एक कंपाउंड में अगर किसी भी चीज को डिनोट करना है, सपोज करो मेरे को वाटर का फॉर्मूला लिखना है. वाटर का फॉर्मूला लिखने के लिए, ये वाटर बनाने के लिए जो भी चीज यूज हुआ है, वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के से बनता है. तो हम लोग को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सिंबल चाहिए. हाइड्रोजन का सिंबल होता है H एंड ऑक्सीजन का सिंबल होता है O. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सिंबल चाहिए और हमको ये भी चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कितने नंबर में प्रेजेंट है या उसका कितना एटम प्रेजेंट हुआ है. तो हाइड्रोजन का दो एटम प्रेजेंट हुआ है तो दो, ऑक्सीजन का एक एटम प्रेजेंट हुआ है तो वन. ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा H2O. ये हम वन को नहीं भी डिनोट करेंगे तो वो चलेगा. तो इस तरह से केमिकल फॉर्मूला ये बनता है. ये केमिकल फॉर्मूला का बेसिक चीज है. सिंपल सा चीज ये समझना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को किसी भी पूरा नाम को यूज नहीं करना है, हमेशा उसके सिंबल को यूज करना है. साथ ही नंबर ऑफ एटम्स के बारे में भी हमेशा ध्यान रखना है कि कितने एटम वहां पर प्रेजेंट हैं या यूज में आ रहे हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं. In a chemical formula of a compound, the element present are denoted by their symbol and the number of atom of each element. ये chemical formula अगर किसी भी चीज का लिखा जा रहा है, जैसा कि मैंने water का बनाया, carbon dioxide, तो यहाँ carbon dioxide को दिखाने के लिए हम लोग को carbon और oxygen के symbol पर जाना था और कौन कितने, किसका कितना एटम प्रेजेंट है उसके बारे में हम लोगों ने जाना कि कार्बन का एक एटम जबकि ऑक्सीजन का दो एटम यहाँ पर प्रेजेंट है. तो इस तरह से ये केमिकल फॉर्मूला है. किसी भी चीज का हम लोग केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं. यहाँ पे हम लोग को पता रहना चाहिए कि वो किन चीजों को मिलाकर बना है, किन एलिमेंटों को बनाकर मिला है. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने वाटर को लिया है. वाटर इज अ कंपाउंड हुज वन मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ टू एटम ऑफ हाइड्रोजन and one atom of oxygen and hence its chemical formula is H2O. Water के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो इसका जो water, एक water molecules जो बना है तो वहां पर दो hydrogen atom use हुआ है, साथ में एक oxygen atom use हुआ है, तो इनसे जो formula बना वो H2O बना. ऐसे ढेरों सारे example हम लोग लिख सकते हैं. जैसे कि मुझे लिखना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन और क्लोरीन से बनता है. हाइड्रोजन एंड क्लोरीन से बनता है तो हाइड्रोजन का भी एक एटम यूज हो रहा है और क्लोरीन का भी एक एटम यूज हो रहा है. तो ये
इसका अगर केमिकल फॉर्मूला लिखें तो ये HCl होना चाहिए, ये HCl होगा। अब बहुत सारे लोगों का मानना है कि H अगर सिंगल फॉर्म में नहीं है तो वो कैसे एक दूसरे से जुड़ रहा है, ये मैं उस रूल को लेके नहीं बता रहा हूँ, ये इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए उस पर जाइए आप। अगर मैं यहाँ पर आपको एक और एक्स्ट्रा चीज बता दूं कि हाइड्रोजन डायटॉमिक एलिमेंट है तो इसीलिए हाइड्रोजन हमेशा 2 के फॉर्म में रहेगा, और Cl भी डायटॉमिक एलिमेंट है इसलिए Cl 2 के फॉर्म में रहेगा, और जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो 2 एटम या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl बनाएंगे। 2 मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन का 2 एटम और क्लोरीन का 2 एटम, क्योंकि ये डायटॉमिक है इसलिए ये 2 के फॉर्म में रहते हैं। अगर मोनोएटॉमिक, अगर एक HCl की बात करें सिर्फ और एक HCl, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एक एटम यूज हो रहा है और क्लोरीन का एक एटम यूज हो रहा है जो आपस में कंबाइन हो रहा है, तो इसी चीज को मैंने आपको बताया था। अब इसका एक और रूल देखते हैं। रूल्स है, व्हाइल राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड, अगर किसी आयनिक कंपाउंड का आप फॉर्मूला लिखते हैं, द मेटल इज रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड व्हाइल द नॉन मेटल इज रिटेन ऑन राइट हैंड साइड। मेटल को हमेशा लेफ्ट साइड में मींस आगे की तरफ रखना चाहिए और नॉन मेटल को हमेशा पीछे की ओर रखना चाहिए, ये हम लोगों को खासकर ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, MgO इज नेम्ड एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर देखें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम जो है वो मेटल है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होता है वो भी मैं बता दूं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर अपने ऊपर प्लस चार्ज लेते आए, तो मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके Mg2+ बनाता है, वाइल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके माइनस चार्ज लाता है। तो इस तरह से मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को लेफ्ट साइड रखना चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को राइट साइड रखना चाहिए। तो इससे क्या हो गया, इसका फॉर्मूला वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे बात करूं एल्युमिनियम एंड क्लोरीन की, तो एल्युमिनियम क्लोराइड इससे बनेगा, एल्युमिनियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और क्लोरीन जो है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर ऐसा है तो हम लोग Al और Cl से मिलाकर AlCl3 फॉर्मूला बनता है जिसका नाम होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये फॉर्मूला है, यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो चीज है उसको लेफ्ट साइड में लिखा गया है और इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज को राइट साइड में लिखा गया है, या ऐसा बोलो मेटल को लेफ्ट साइड में और नॉन मेटल को राइट साइड में लिखा गया है, जो रूल्स होता है। अब एक नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स फॉर्मड बाय द कॉम्बिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट नॉन मेटल आर रिटेन इन सच अ वे दैट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड व्हाइल द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिटेन इन राइट हैंड साइड। पिछला रूल जो पढ़ा था उसमें एक मेटल और एक नॉन मेटल यूज हो रहा था, अब अगर बात आ जाए दो नॉन मेटल एक ही साथ आ जाए, दो नॉन मेटल अगर एक साथ आ जाए तो वैसे कंडीशन में आप किसको पहले रखोगे, तो वहां पे हम लोग को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज्यादा होगा उसको पीछे रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका भी ज्यादा होगा उसको पीछे रखना है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका कम होगा उसको आगे रखना है। जैसे H2S में हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और सल्फर भी नॉन मेटल है, यहाँ पर दोनों नॉन मेटल की तरह है, और ये नॉन मेटल होने की वजह से, नॉन मेटल होने की वजह से हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऐसे कंडीशन के लिए हाइड्रोजन को पहले लिखा गया है और सल्फर को बाद में, और इसका नाम होता है हाइड्रोजन सल्फाइड।
अगर मैं उसी तरह बात करूं, अगर एक और मैं लिखूं एक फॉर्मूला के तौर पर, तो अगर मैं लिख सकता हूं HF, अगर मैं HF लिखता हूं फॉर एग्जांपल, तो इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोजन यहां पे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, फ्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। इस तरह से इसका नाम होगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन क्यों आगे है? क्योंकि हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बट कुछ कुछ एक्सेप्शन भी प्रेजेंट हैं यहाँ पर। एक्सेप्शन जैसे NH3 अमोनिया का फॉर्म अगर होगा, NH3 अगर बनेगा, तो वैसे कंडीशन में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बावजूद भी ये पहले लिखा जाता है। तो कुछ एक्सेप्शन है, उसके रूल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। When there are more than one atom of an element, अगर एक एलिमेंट का एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट है और किसी भी कंपाउंड में, then the number of atom are indicated by use of appropriate prefix. तो उसके पहले प्रीफिक्स लगाया जाता है, जैसे वन के लिए मोनो, टू के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, और उस कंपाउंड में जैसे CO2 इज नेम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोला, कार्बन हो गया कार्बन के लिए, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, तो 2 के लिए डाई प्रीफिक्स लगा और फिर ऑक्सीजन के लिए ऑक्साइड लिखे। अगर उसी तरह अगर हम लोग CO लिखें, तो CO का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? कार्बन के लिए कार्बन हो जाएगा, 1 के लिए कितना है, 1 के लिए मोनो लिखना होता है, तो मोनो और ये ऑक्साइड, तो कार्बन मोनो ऑक्साइड इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हम लोग बोले CCl4, तो यहां पर क्या है, कार्बन एक है, तो कार्बन के लिए कार्बन, यहां क्लोरीन 4 है, तो 4 के लिए हम लोग क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, 4 के लिए हम लोग यूज करते हैं टेट्रा, तो कार्बन टेट्रा, और क्लोरीन के लिए हम लोग यूज करेंगे क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। उसी तरह हम लोग ट्राई भी यूज करते हैं, जैसे कि अगर लिखा हुआ है SO3, तो इसका मतलब है कि S means सल्फर, ऑक्सीजन 3 है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे ट्राई, ऑक्सीजन के लिए ऑक्साइड, तो इसका नाम हो जाएगा सल्फर ट्राई ऑक्साइड। इस तरह से हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं अगर एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट हो, एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट हो, तो ऐसा किया जाता है। अब एक और रूल है जिसको हम लोग और समझते हैं, इफ टू नॉन मेटल फॉर्म ओनली वन कंपाउंड, देन प्रीफिक्स आर नॉट यूज्ड इन नेमिंग सच कंपाउंड। अगर ऐसा हो कि दो चीज को मिलने से एक ही कंपाउंड बने, पिछले वाले में क्या था कि कार्बन और ऑक्सीजन अगर एक बार मिले तो भी कंपाउंड बनता है, कार्बन का रेशियो वही, ऑक्सीजन अगर थोड़ा सा बढ़ गया तो भी कंपाउंड बन रहा है, कार्बन अगर एक है और ऑक्सीजन 3 है तब भी कंपाउंड बन रहा है, वहां 3-3 कंपाउंड है, तो ऐसे के लिए हम लोग सफिक्स यूज करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ट्राइऑक्साइड। बट अगर ऐसा ना हो, वहां पर 3 कंपाउंड नहीं बने, सिर्फ एक ही कंपाउंड बने, पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही कंपाउंड बनने का हो, तो उसके लिए हम लोग प्रीफिक्स, नो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का यूज नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, हाइड्रोजन एंड सल्फर कंबाइन टू फॉर्म ओनली वन कंपाउंड, हाइड्रोजन सल्फर सिर्फ एक ही कंपाउंड बना लेते हैं जिसका नाम है H2S, और इसको हाइड्रोजन सल्फाइड के नाम से पुकारा जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, तो ये थे कुछ रूल्स जिससे आप किसी का भी केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब चलिए आयंस क्या होता है, आयंस के बारे में हम लोग जानेंगे। व्हाट इज आयंस? तो आयन एक्चुअली एक चार्ज है जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव चीज को कैरी करता है।
an ion is a positively or negatively charged atom. अगर कोई एटम है, सपोज करो सोडियम, Na सोडियम है, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो ये सोडियम आयन कहलाएगा. एक एग्जांपल है क्लोरीन, नेगेटिव चार्ज है तो ये भी आयन कहलाएगा. Mg2+ ये भी एक आयन है. Al3+ ये भी एक आयन है. अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आता है तो वो आयन कहलाएगा. आयन दो तरह का होता है. देयर आर टू टाइप ऑफ आयन. फर्स्ट इज कैटायन. कैटायन मींस जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, एंड एनायन जिस पर नेगेटिव चार्ज हो. बात करते हैं कैटायन की. तो अगर कैटायन का देखो तो ए पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज कैटायन. अगर पॉजिटिव चार्ज से अगर कोई भी चीज है तो वो कैटायन कहलाता है. एग्जांपल के तौर में मैंने दिखाया है सोडियम आयन. सोडियम आयन को Na+ के फॉर्म में दिखाया गया है. मैग्नीशियम आयन आयन Mg2+. इसके अलावा ढेर सारे आयन्स हैं, Al3+, Zn2+, इसके अलावा Li+, K+, Be+, और भी बहुत सारे पॉजिटिव आयन हैं जो कि आयन बनाते हैं. Be+3, Fe+2, ऐसे हजारों तो नहीं बोल सकते क्योंकि एलिमेंट कुछ लिमिटेड है, लेकिन जितने एलिमेंट हैं, जितने भी मेटल हैं, वो सब प्लस आयन बना सकते हैं. अ कैटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम. और ये आयन्स बनते कैसे हैं इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल से चलूं. तो सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर बात करें, जैसा कि मैंने पहले बताया है एटॉमिक नंबर के बारे में, एटॉमिक नंबर 11 है. और उस 11 का मतलब ये है कि अगर किसी का एटॉमिक नंबर Z equals to ये है, तो एक फॉर्मूला होता है Z equals to E equals to P. ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फॉर न्यूट्रल एटम, यहाँ पे लिखना जरूरी है, फॉर न्यूट्रल एटम. अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो उसमें जितना इलेक्ट्रॉन है और जितना प्रोटॉन है वही उसका एटॉमिक नंबर है. अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी 11 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो भी 11 है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 है. अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं और प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? सेंटर में जो होता है वो प्रोटॉन होता है. प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में सेंटर में होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन सेंटर के चारों ओर सर्कुलर पाथ, जिसको ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट में रोटेट करता है. तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है. और ये हर एटम का रूल होता है कि वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है सिवाय 2-3 के. तो सोडियम भी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है. सोडियम ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है. जैसे ही ये आउटरमोस्ट सेल के एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है. अब किसी का क्वेश्चन रहेगा कैसे ये ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये है 2, 8 and 1. ये आउटर मोस्ट सेल के 1 इलेक्ट्रॉन को जैसे ही डोनेट करेगा, ये एक्चुअली ये वाला जो सेल है वो अपने आप खत्म हो जाएगा और लास्ट सेल उसका ये बचेगा. और हर को लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है, तो इसका लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा. बट जैसे ही सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इस पे प्लस चार्ज आ जाता है. अब क्वेश्चन ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन घटा तो प्लस चार्ज क्यों आएगा. क्वेश्चन यही है कि अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है. तो इसका सिंपल सा एक रीजन है कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल हैं और यहां से इलेक्ट्रॉन एक निकल जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे हो जाएगा 10 और नंबर ऑफ प्रोटॉन यहां पे 11 का 11 रहेगा. प्रोटॉन पर प्लस चार्ज रहता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज रहता है. जब आप इसको कैरी करोगे तो +1 प्रोटॉन का
मैग्नीट्यूड थोड़ा बढ़ जाएगा और उसी के वजह से इस पर प्लस चार्ज आएगा, जबकि नेगेटिव चार्ज में जस्ट उल्टा होगा। अगर मैं बात करूं नेगेटिव चार्ज की, तो नेगेटिव चार्ज में जस्ट उल्टा होगा, तो कैसे हम निकाल सकते हैं, सोडियम है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा बाहर निकलेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकला वो Na प्लस बना लेगा। मैग्नीशियम है, आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा तो ये Mg2 प्लस बना लेगा। जो जितने इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से रिमूव करेगा या निकालेगा या डोनेट करेगा वो उतना प्लस चार्ज उस पर आएगा, ज्यादा से ज्यादा किसी पर तीन प्लस या चार प्लस भी हो सकता है। अब बात करें एनायन की, तो जैसा कि कैटायन आपने सीखा कि वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो ए नेगेटिवली चार्ज आयन इज नोन एज आयन। नेगेटिव चार्ज से जो बनेगा उसको नेगेटिव आयन बोलेंगे, जैसा कि एग्जांपल के तौर पर Cl- O2-, ये मैंने आपको दिखाया है, जिसके अलावा N3- भी आप डाल सकते हो और भी F- डाल सकते हो, Br-, I-, etc. ये आप डाल सकते हो। An anion is formed by gain one or more electron by an atom. ये anion कब बनता है, जब वो electron gain करता है। एक example मैं chlorine की लेना चाहूँगा। Chlorine atomic number होता है 17. Same इसका भी electronic configuration दिखाया जाएगा, तो वो हो जाएगा 287. क्योंकि first cell का capacity जो है वो 2 है, second cell का capacity 8 है, और थर्ड सेल का कैपेसिटी 18 है, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन है नहीं इसके पास, अब सिर्फ और सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन है। दैट्स व्हाई ये 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में रहता है। अगर बात करें क्लोरीन की, तो 287 ये इसका इलेक्ट्रॉन रहने का तरीका है, इलेक्ट्रॉन इसी तरह रिमूव करता है। तो क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का नीड है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्सेप्ट करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्सेप्ट करेगा उस पर माइनस चार्ज आएगा, तो क्लोरीन प्लस वन इलेक्ट्रॉन, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आएगा क्लोरीन पर माइनस चार्ज आ जाएगा। अगर कोई और दूसरा एलिमेंट देखें, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन का नीड है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्सेप्ट करेगा ये इस पर दो माइनस चार्ज आ जाएगा। इस तरह से पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बनता है, जिसको कैटायन और एनायन भी बोला जाता है। अब वैलेंसी के बारे में बात करते हैं। The valency of an ion is the same as charge present on ion. Ion पे जितना charge present होगा वो उसका valency कहलाएगा। जैसे कि Na plus, तो यहाँ पर एक ही plus है, तो इसका valency जो होगा वो 1 होगा। अगर Mg 2 plus, तो इसका valency भी plus 2 होगा। अगर Al 3 plus लिखा हुआ है, तो इसका valency plus 3 होगा। अगर कहीं पर लिखा हुआ है N3 minus, तो इसका वैलेंसी minus 3 होगा। अगर कहीं लिखा हुआ है O2 minus, तो इसका वैलेंसी minus 2 होगा। अगर H minus लिखा हुआ है, तो इसका वैलेंसी minus 1 होगा। लेकिन ज्यादातर जगह पर आपको H plus ही देखने को मिलेगा, इसका वैलेंसी plus 1 आप समझ सकते हो। Writing a formula of a molecular compound, एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखोगे, उसके कुछ रूल्स हैं। जैसा कि फर्स्ट है, राइट द सिंबल ऑफ एलिमेंट कंट्रीब्यूटिंग द कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड जिस भी चीज से बना हुआ है उसका उसका सिंबल आपको यूज करना है। जैसे कि सपोज करो कार्बन डाई ऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द सिंबल ऑफ कार्बन मींस सी एंड सिंबल ऑफ ऑक्सीजन ओ, देन बिलो ईच सिंबल राइट इट्स कॉरस्पॉन्डिंग वैलेंसी। अब उस जो भी सिंबल लिखे हैं उसके नीचे उसका वैलेंसी लिखना है। जैसे कार्बन का वैलेंसी होता है 4 एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2। Finally, we exchange the valency of the
combining atom, that is with first atom. We write the valency of a second atom, and with second atom we write the valency of the first atom. The valency of to be written as the subscript of to the symbol. अब सिंपल सा चीज है, यहाँ पे इतना बड़ा मैं आपको ये सिंपल सी चीज बताया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब कि कार्बन को ऑक्सीजन के वैलेंसी से मल्टीप्लाई करना है और ऑक्सीजन को कार्बन के वैलेंसी से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब है C2O4। अब लास्ट रूल देखो क्या है, इफ द वैलेंसीज हैव एनी कॉमन फैक्टर देन द फॉर्मूला इज डिवाइडेड बाय द कॉमन फैक्टर, दिस गिव्स द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर कंपाउंड। अगर कहीं पर भी कॉमन फैक्टर है, 2 एंड 4 इसके वैलेंसी में कॉमन फैक्टर है, तो इसको कट करो, 2 1 2 2 2 जा 4, मींस यहां पे कार्बन 1 एंड ऑक्सीजन 2 आया, जो कि हम लोग लिख सकते हैं CO2। 1 को अगर डिनोट नहीं भी किया जाए तो चलेगा, तो ये जो फॉर्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड का, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं आसान तरीके से। अगर मान लो किसी को फॉर्मूला लिखना है मैग्नीशियम क्लोराइड का, अगर हम लोग लिखें मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला लिखना है, तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, मैग्नीशियम का वैलेंसी होता है 2, क्लोरीन का वैलेंसी होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन MgCl2, यही हो गया फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं जिससे भी आपको एग्जांपल समझ में आए, जैसे कि हम लोग को लिखना है कैल्शियम ऑक्साइड। अगर कैल्शियम ऑक्साइड लिखना है तो कैल्शियम का सिंबल होता है Ca एंड ऑक्साइड का O, कैल्शियम का वैलेंसी 2 एंड ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से ये आता है Ca2O2। ये दोनों में कॉमन वैलेंसी में कॉमन फैक्टर है 2, तो इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा Ca4। तो इस तरह से हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड देख सकते हैं। अगर आपको और भी करना है तो आप और भी कर सकते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बाइड, अगर मैं मुझे ये करना है तो कैल्शियम का Ca और यहां पर इसका फॉर्मूला होता है C, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 4, अगर हम कट करें तो Ca4C2, अगर इसको कॉमन मल्टीपल को कट करें तो ये हो जाएगा 2 एंड 1, Ca2C, बट ये एक्चुअली ये रॉन्ग फॉर्मूला है। अगर कैल्शियम कार्बाइड का अगर फॉर्मूला देखें तो CaC2 होता है, तो कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जो कि हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे, हम लोग इसके लिए एक स्पेशल क्लास करेंगे जिसमें हम लोग एक्सेप्शन के साथ चलेंगे और हम बताएंगे कि कुछ कुछ ऐसा भी फॉर्मूला होता है जो रूल्स को फॉलो नहीं करता है, जैसे कि कैल्शियम कार्बाइड। अब एक और फॉर्मूला लिखने हम लोग सीखेंगे, राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड को लिखने के लिए क्या फॉर्मूला चाहिए, क्या रूल्स चाहिए, फर्स्ट राइट द सिंबल ऑफ आयन फ्रॉम विच द आयनिक कंपाउंड इज मेड, एज अ कन्वर्सेशन द कैटायन इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड व्हाइल द एनायन इज रिटन इन राइट साइड। सेम चीज करना है, जो भी चीज करना है उसका आयन लिखना है, जिससे भी आयनिक कंपाउंड बना है उसके आयंस को लिख लो, जैसे Na प्लस एंड Cl, सोडियम क्लोराइड को लिखना है, सोडियम क्लोराइड ये आयनिक कंपाउंड है तो इसको लिखना है, तो हम लोग को सोडियम का लिखना होगा Na और क्लोरीन का लिखना होगा Cl। अब दोनों एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है, देन द वैलेंसीज ऑफ द रेस्पेक्टिव कैटायन एंड आयन रिटन बिलो देयर सिंबल, उसके सिंबल के नीचे में हम लोग उसके वैलेंसीज को लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है द वैलेंसीज ऑफ कैटायन एंड एनायन आर एक्सचेंज, द नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड आर एडजस्ट इन सच अ वे द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन बिकम्स इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द एनायन मेकिंग अ आयनिक कंपाउंड
इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब इसका जो चार्ज है, इस तरह से आपके इसके वैलेंसी को मल्टीप्लाई करना है कि इसका जो चार्ज है वो निगेटिव चार्ज के इक्वल हो। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे Na को 1 से और Cl को 1 से, तो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, ये इक्वल हो जा रहा है। देन फाइनल फॉर्मूला ऑफ द आयनिक कंपाउंड इज देन रिटन, बट द चार्ज प्रेजेंट ऑन द कैटायन एंड एनायन आर नॉट शोन। अगर बस वही फॉर्मूला हो जाएगा, बट उस चार्ज को हम लोग को शो नहीं करना है। अगर एक और लेके चलते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। इसको कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg और क्लोरीन का फॉर्मूला होता है Cl। मैग्नीशियम प्लस टू एंड क्लोरीन माइनस वन, ये प्लस टू चार्ज लगता है और ये माइनस वन चार्ज लगता है। अगर मैं इसको बोलूं इसका वैलेंसी टू है और इसका वैलेंसी वन है, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं, ये हो जाएगा Mg टू प्लस एंड साथ में हो जाएगा 2Cl माइनस। तो मैंने देखा कि इसके दो क्लोरीन जो है वो दो चार्ज रख रहे हैं और एक मैग्नीशियम दो पॉजिटिव चार्ज रखे हैं। अब इसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि इसके चार्ज को खत्म कर दिया जाए, तो इस तरह से ये एडजस्ट हो गया जो MgCl2 बना, और यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज और दो नेगेटिव चार्ज जो कि कैंसिल हो गया, यहाँ पर चार्ज को हम लोगों ने दिखाया नहीं, और ये फॉर्मूला हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड का। एक और एग्जांपल समझते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, ऑक्साइड का सिंबल होता है O, कैल्शियम पे प्लस टू एंड ऑक्सीजन पर माइनस टू। कैल्शियम का फॉर्मूला होता है टू, वैलेंसी होता है टू, ऑक्सीजन का भी वैलेंसी टू। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन Ca टू टू प्लस एंड O टू टू माइनस। अब जब देखो दोनों का फैक्टर सेम है तो फैक्टर कट करेंगे, और जैसे ही फैक्टर करेंगे 2Ca प्लस और O2 माइनस, जब नंबर ऑफ चार्ज इक्वल है तो ये दोनों को कंबाइन कर देंगे और इसके चार्ज को हम लोग नहीं लिखेंगे और इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaO जो कि कैल्शियम ऑक्साइड है। तो इस तरह हम लोगों ने सीखा कैसे किसी के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लिखेंगे, आयनिक कंपाउंड को लिखने का क्या फॉर्मूला है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद देखेंगे और आसानी से सीख सीखेंगे। नाउ राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। फर्स्ट इज सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का सिंबल होता है Na, ऑक्साइड का सिंबल होता है 2, सोडियम का वैलेंसी होता है 1, ऑक्साइड का वैलेंसी होता है 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे ही करेंगे, कॉमन फैक्टर है नहीं, ये हो जाएगा Na2O। ये फर्स्ट नंबर सॉल्व हो गया। सेकंड नंबर एल्युमिनियम क्लोराइड, किसी को करना है आप कर सकते हो, आराम से करो। क्या हो सकता है, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम का सिंबल Al और क्लोरीन का सिंबल Cl, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3, क्लोरीन का वैलेंसी 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं, तो AlCl3। सोडियम सल्फाइड Na, सोडियम का सल्फाइड S, अगर तीसरा नंबर की बात करें दोनों का सिंबल हम लोगों ने लिख लिया, दोनों का वैलेंसी लिखो, सोडियम का वैलेंसी 1, सल्फर का वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन Na2S, तो इसका मतलब हुआ सोडियम सल्फाइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, चलो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा मजा आएगा। मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, OH बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड मीन्स OH, OH का वैलेंसी जो होता है वो होता है 1 एंड मैग्नीशियम का जो वैलेंसी होता है वो होता है 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करते हैं तो मैग्नीशियम 1 और हाइड्रोक्साइड 2, तो इसका फॉर्मूला हो गया MgOH2। इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे एलिमेंट का फॉर्मूला लिख लिया। आपको भी कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। चलिए नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं वहां क्या है। Write down the names of compound represented by the following formula. Formula दिया हुआ है, आपको उसका नाम लिखना है।
ये हो गया Al2SO4O3। तो ये है Al means aluminium और SO4 को सल्फेट के नाम से जाना जाता है, तो ये हो गया एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 जो कि सल्फेट के साथ है, सल्फेट का वैलेंसी 2 जो कि एल्युमिनियम के साथ है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। दूसरा CaCl2, अगर इस चीज को देखें Ca को अलग रखें Cl2 को अलग रखें, तो Cl2 क्या है, वो जो एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, इसलिए क्लोरीन जो होगा, अगर कैल्शियम 1 है और क्लोरीन 2 है तो इसका मतलब है कैल्शियम का वैलेंसी 2 है और क्लोरीन का वैलेंसी 1 है। तो कैल्शियम के लिए हम लोग लिख सकते हैं कैल्शियम एंड क्लोरीन के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्लोराइड, क्योंकि जितने भी नॉन मेटल, अगर मेटल के बाद नॉन मेटल यूज होते हैं तो उसमें आई डी ई लगाया जाता है। इसके अलावा थर्ड नंबर अगर देखें तो K2SO4 means K का वैलेंसी हो गया, SO4 का वैलेंसी 1, K का वैलेंसी 1 और SO4 का वैलेंसी 2। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, K means हो गया पोटेशियम और SO4 means सल्फेट, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। फोर्थ नंबर अगर देखोगे तो KNO3, K means पोटेशियम और NO3 means नाइट्रेट, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। एंड फिफ्थ नंबर इज CaCO3, तो Ca means होता है कैल्शियम, ये आपको याद रखना होगा, और CO3 means होता है कार्बोनेट, तो इसका फॉर्मूला जो नेम होगा वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट। And now last question is, write the chemical formula of the following. Chemical formula लिखना है magnesium chloride Mg और chlorine के लिए Cl, Mg का valency 2, chlorine का valency 1, cross multiplication करेंगे MgCl2। दूसरा है calcium oxide Ca, calcium के लिए Ca, ऑक्साइड के लिए ओ, दोनों का वैलेंसी होता है 2, कॉमन फैक्टर है तो कट भी कर सकते हैं डायरेक्ट यहां पर भी, तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर नाइट्रेट Cu वैलेंसी 1, नाइट्रेट NO3 वैलेंसी 1। तो इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो CuNO3 हो सकता है कॉपर नाइट्रेट। एल्युमिनियम क्लोराइड Al, एल्युमिनियम के लिए फोर्थ नंबर और क्लोराइड के लिए, क्लोरीन के लिए Cl, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3, क्लोरीन का वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो होगा AlCl3। एंड लास्ट वन इज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम का वैलेंस सिंबल होता है Ca और कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3, कैल्शियम का वैलेंसी 2 एंड CO3 का भी वैलेंसी होता है 2, जब ये कॉमन फैक्टर है तो ये कट हो जाएगा और ये फॉर्मूला हो जाएगा CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है वो होगा CaCO3। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के टॉपिक में सीखा कि किसी का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, साथ ही हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किया, कुछ फॉर्मूला को लिखा। आज की क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।